इनको सब्जेक्ट के बारे में महारत हासिल है। आज निश्चित तौर पर अगर उनके एक एक शब्दों को अगर आप ध्यान देंगे और उसको आत्मसात करेंगे तो निश्चित है कि लाइफ में आज आपको परिवर्तन मिलेगा, आप यहां से बदले हुए जाएंगे। नन अदर देन प्रशांत पवार जी को, प्रशांत पवार जी को आज का कार्यक्रम समर्पित करता हूँ प्रशांत जी को। प्रशांत जी को बैठी हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? साहब ने क्या बात की? एक टीम में कितने निशाना? तीन निशाना। तो पहला जो निशाना किसका है? हेल्थ। सबको हेल्थ चाहिए, बराबर है? तो हेल्थ के बारे में अगर बात करते हैं तो ऐसा किसी को लगता है शायद ये जो आया व्यक्ति का डॉक्टर है क्या? नहीं, हेल्थ के बारे में क्या सिर्फ डॉक्टर ही बात कर सकते हैं? सब कुछ है क्या? नहीं, हेल्थ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने देखा किसी को कंजूसी कर रहे हैं तालियां बजाने के लिए। तालियां क्यों बजानी चाहिए? तालियां बजने से क्या होता है? बहुत सारे बीमारी आपके हाथ। तो डिजीज के बारे में जो जानकारी जो भी लेते हैं तो उसके लिए आपके पास डिग्री होने की जरूरत है। अब डिजीज कैसे होते हैं? जो होते हैं वायरस बैक्टीरिया, उसके वजह से जो होते हैं, जो अभी आपने देखा है 3 साल पहले बहुत बड़ा आसर हुआ था कोरोना का, वो डिजीज था, एक वायरस की वजह से आया था, बराबर है? तो उसके ऊपर इलाज करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास डिग्री होना चाहिए, बराबर है ना? कि ये बीमारी आई, इसकी वजह से आई, तो इसको क्या देना चाहिए? तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जो अभी जो डिसऑर्डर्स जो आ रहे हैं, जो मैक्सिमम डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, डिसऑर्डर्स क्या है? ये लाइफस्टाइल की वजह से। ये लाइफस्टाइल मतलब क्या? हमारे खान पीने के बारे में जो भी हमें जो बदलाव किए, तब्दील जो किए, उसकी वजह से हमारे जो होते हैं कोई कोई इसको बीमारियां होती है। लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये क्या है? डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर्स मतलब क्या? कि पहले शरीर अच्छा था और आज की तारीख में क्या हो गया? शरीर ने वो काम करना छोड़ दिया, इसीलिए शरीर में क्या आ गया? प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। लेकिन ये डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर्स है, बराबर है? डिजीज कंट्रोल करने के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डिसऑर्डर्स करने के लिए आप खुद को आपको सक्षम बनाना पड़ेगा। और डिसऑर्डर जो है ये आप खुद ही कंट्रोल में ला सकते हैं, डिसऑर्डर वापस ऑर्डर में लेके आ सकते हैं, ये आपके हाथों में। तो अब ये काम अच्छा है या बुरा है? देखो दुनिया में ये काम चलते हैं, दो तरह के काम होते हैं, एक अच्छा या बुरा, बराबर है? और अच्छा काम से कुछ लोग पैसे का कमाते और कुछ बुरे काम करके भी पैसे कमाते, बराबर है? तो अच्छा काम अगर होगा, अगर आपके दिल और दिमाग को जचता है कि ये काम अच्छा है तो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आप खुद का भी भला होगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो समाज, जिस समाज में हम रहते उसी का भी भला होगा, ठीक है? तो मैं जो आगे जो बोलने जा रहा हूँ वो अगर आप ओपन माइंड से सुनेंगे, आप समझ लीजिए कि ये क्या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, ये वाकई ये काम करना चाहिए, तो आप कीजिए, आपका वेलकम है। जैसे सामने का अगर आपको दिल और दिमाग को नहीं जचता है तो जाते समय क्या करना आपको? कुंडी लगा, तो अभी जितना गया वो सब क्या हो जाएगा? नहीं कर जाएगा, ठीक है? तो मैं ये बोलता हूँ कि निर्णय लेना आपके हाथ में, अगर अच्छा काम होगा तो निर्णय आप लेंगे, और निर्णय लेने का काम किसका है? आपका खुद का है। आपके बारे में कोई निर्णय ले सकता है क्या? नहीं, तो आपको निर्णय खुद लेंगे, ठीक है? दुनिया में दो किसी मैं बताया दो काम है, अच्छा काम करके लोग पैसे बना के और बुरा काम करके भी लोग पैसे बना के। अभी आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कार्डियोवास्कुलर बीमारियां और बेवजह की मौत।
ये मराठी में लिखा, हिंदी में लिखा, उसे आपको नहीं समझ आए, लेकिन ये बीमारियां आज की तारीख की सबसे बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसी की वजह से आने वाली ये वर्षों में, जैसा हमने देखा कोरोना के काल में कितने लोग डाउट में थे, किसको हुआ किसको नहीं हुआ, बोलो और किसके उसी की वजह से मर गया या नहीं मर गया, बराबर है। आज वही चल रहा ना बे वजह मोर बराबर। अगर जब भी हम सोचते हैं कि हमें कुछ बीमारी हो रहा है, हम क्या डॉक्टर के पास चले, हमें पता नहीं कि हमारे अंदर वाकई में है या नहीं, जो डॉक्टर ने बताया उसी को हम क्या करते मान लेते और क्या करते आगे ट्रीटमेंट के लिए हम चलते, बराबर है। तो ये आज के साथ आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीमारी, और क्या हो रहा है ये सिर्फ एक ही नहीं है, ये बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है, अलग अलग तरह की बीमारियां, जिसको हम बोले डिसऑर्डर है, जैसे किडनी फेलियर इसकी भी प्रमाण बहुत बढ़ रही है। दूसरा क्या हो रहा है लीवर डैमेज, लोगों को डैमेज भी लीवर भी डैमेज हो गए, ठीक है, और क्या डायबिटीज पेशेंट ये तो बहुत ही बढ़ रहे हैं, बराबर है। अगर सर्वे कहता है कि 5,000 लोगों का सर्वे किया जाए तो एक आदमी डायबिटीज मिलेगा ही, एक आदमी किडनी फेलियर के लक्षण की तरफ चल रहा है और एक आदमी हार्ट और ब्लड प्रेशर, आज की तारीख में देखते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से लोगों की प्रेशर ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहे। अब ये सारे डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर पहला प्रेशर नॉर्मल था, अभी क्या हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मतलब क्या हो गया डिसऑर्डर हो गया, तो इसको हम कंट्रोल में लेके आ सकते, बराबर है। तो कैसे लेके आ सकते हम अमीर, जैसे कि हम देखते कि अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो हम क्या करते हैं हॉस्पिटल में चले जाते हैं। बीच में एक मूवी भी आई थी, बराबर मूवी आई थी, तो मूवी दिखाया गया कि क्या कर रहे थे लोग, क्या कर रहे इसका मिस यूज करते। तो हम जब भी घर में कोई बीमार हो मरने को देते नहीं, हम क्या करते उसको अस्पताल में लेके, लेकिन अस्पताल में लेके जाने के बाद जब भी हम देखते हैं कि ये फलाना अस्पताल उसमें ये स्कैम हो गया, वो दूसरा अस्पताल उसमें ये स्कैम हो गया, इसमें 2-3 महीने पहले कुछ हॉस्पिटल की अस्पताल की लिस्ट भी आई थी जिसको बैन किया है, बंद कर दिया है, ऐसे मतलब क्या जब ये सुनते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है, बराबर है। ये तो ये जो काम करते हैं, ये काम क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा। ये जो लोग काम गलत काम करके पैसे बना रहे हैं वो क्या अच्छा है, ये समाज के लिए अच्छा है क्या जी नहीं, बराबर गलत, ये गलत काम। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर कर रहे हैं कि आप जो लाइफ स्टाइल जो चल रही है वो फास्ट चल रही है, सुपर फास्ट हो रही है, इसमें से आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वे सिंपल सोल्यूशन, अगर ये बीमार की तरह से अगर हमें नहीं जाना है तो हमारा एक सिंपल सादा सोल्यूशन है, क्या है ठीक तरीके से खाना खिलाना। हम अगर हम आज की तारीख में देखते हैं लाइफ जीते तो हमारे इसमें बहुत सारे क्या हो गलत तरीके से खाना पीना आ रहा है, गलत तरीके हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें पैकेज फूड पे डिपेंड, पैकेज फूड और यहाँ तो ये थोड़ी कम है और ज्यादा है, ऐसे ऐसा वही का वही जो यहाँ पर आ रहा है पैकेज फूड। पैकेज फूड में क्या है, क्या हम देखो हम जो भी खाते हैं उसका एक इम्पोर्टेंट क्या है कि वो क्यों खाते हैं, उसे हमें क्या रिजल्ट चाहिए, उसे हमें क्या रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए उसे कि हमारे शरीर को कुछ फायदा हो जाए, बराबर फायदा मतलब क्या जो भी हम चीजें खाएंगे उससे शरीर को हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए, सिंपली बात बराबर ऊर्जा रहेगी तो हम काम करेंगे। हर कोई चीज कोई अगर हम खाना भी खाते हैं तो उसका पीछे नहीं जाता, मतलब क्या हमारा हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए बराबर, उसके पोषण तत्व हमें मिले और उससे हमें ऊर्जा चाहिए, बराबर है। तो सिंपल तरीका है सही तरह से खाना पीना होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में सही तरह से खाना पीना चाहिए अपने आप को पूछना बराबर। हम बहुत सारे अपने खान पीन में बहुत सारे गलत गलत चीजें पीने के आ रही है, ठीक है। हम क्या खा रहे हैं देखो, हम हल्दी पाउडर मसाले से हल्दी पाउडर, लेकिन क्या वो वाकई हल्दी पाउडर है, उसमें रंग मिलाया जाता है बराबर। जैसे मैंने शुरू में कहा पहले दो तरह के काम है, अच्छा काम या बुरा काम बराबर। लोग बुरा काम करें क्या कर रहे हैं, हल्दी में हल्दी के बजाय रंग डाल रहे, मिर्ची में ईट इसका डाल रहे और धनिया में घोड़ो की लीच मिलाई जाती है, और जो हम खाना खाते हैं उसको भी कैसे करते खाद डाल के बना रहे, खाद डाल के बना रहे, वो खाद से सब केमिकल जो आज फल खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं उसके उसमें केमिकल डाले हुए। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तभी ऐसी परिस्थिति क्या जिसे हम देखते हैं पुराने जमाने में जो लोग थे वो लोग कैसे जीते थे, वो भी 90-80 साल जीते थे,
है ना, 8 तारीख से कुछ लोग है ना आज बराबर जीते, तो उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छा खाना खाया जिसकी वजह से आज उनकी तबियत तंदुरुस्त बराबर है। तो उस वक्त ऐसा क्या था आज ऐसा क्या होगा? 1947 जब हम स्वतंत्र हो गए तब हमारी जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़, आज कितनी है? 140 करोड़। दुनिया में हम नंबर वन बन गए पॉपुलेशन में बराबर, चाइना को भी हमने कुछ ही रहकर दिया आगे बढ़ा गई। तो 140 करोड़ है जो पहले जहां पर फसलें उगाई जाती थी आज वहां पर क्या हुए? आज वहां पर क्या हुए? रेडी से लेकर हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी बराबर है, तो क्या हो गया? कम हो गई फसलें उगाना कम हो गया, लेकिन हमारे जनसंख्या बहुत बढ़ी के भाई पीने के हमने क्या किया? जो बची हुई जगह हमने क्या किया? हाथ डालना चाहते क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा उपज चाहिए बराबर, ये हमारा इसके पीछे मतलब। और साथ साथ में क्या किया? जो सीजनल जो फल और फ्रूट थे बराबर है उसको हमने क्या किया? जल्दी से लोगों ने कम ज्यादा से ज्यादा हुआ और फिर उसमें क्या किया? कोल्ड स्टोरेज रख दिया बराबर। आज जैसे ना सीजनल फ्रूट कोई नहीं है आज कभी भी कुछ मतलब क्या पहले से हुआ है वो क्या गया कोल्ड स्टोरेज बराबर, उसके ऊपर कुछ केमिकल डालते वो अच्छा सा गया बराबर है और हमें वही खाने के लिए। आज हम बच्चों को जो दूध पिला वो भी क्या करते गाय भैंसों को इंजेक्ट किया हुआ और जो दूध है वो दूध पिला बराबर है। हम बोलते कि दूध में क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, लेकिन आज कैल्शियम के बदले में दूध में क्या है? जहर है, जहर है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? जो बच्चियां है जो आने वाली पीढ़ी है वो खतरे में है, वो खतरे में है, ये इतना भयानक है। जो गाय भैंसे वो खतरे में है, उससे निकला हुआ जो दूध है जो हम हमारे बच्चों को हम दिला रहे हैं वो भी क्या है? वो भी हमारे हम आने वाली जनरेशन खतरे में डाल देता है। सिंपल बात ये कि हम बात जानते नहीं क्या? जानते हैं, जानते हम ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है, हमारे पास इसके कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, जो ऑप्शन नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं? जो सामने आए उसे हम दे दीजिए ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी हेल्थ के बारे में क्या करते हैं? क्या सोच रहे हैं? हम जानते थे ना, तो हम अपनी हेल्थ के बारे में क्या करते हैं? जैसे जो हम सब लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना सही नहीं है बराबर, फिर भी कितने लोग पीते जा रहे हैं? क्यों? लाइफ स्टाइल बराबर, एक दूसरे से मैं ज्यादा अच्छा हूं ये दिखाने के लिए। सब जानते हैं कि वो केवल एसिडिक से केवल बॉडी एसिडिक बन जाती है फिर भी लोग पीते हैं। तो हम अपने हेल्थ के बारे में क्या कर रहे हैं? तो मुझे बताइए अगर हम अपने हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो ये अच्छा काम है बुरा काम? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम अपनी हेल्थ अपनी सेहत कैसे अच्छी रखेंगे इसके बारे में बात करना ये अच्छा काम है बुरा काम? अच्छा काम, मुझे कुछ आवाज नहीं है, अच्छा काम है। जरा जोर से बोलेंगे अच्छा काम, अच्छा काम है, वेरी तो ये अच्छा काम है। तो अच्छा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लोग जैसे मैंने बताया लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या जहर करते हैं? एक छोटी सी बोतल 10 या 12 रुपए की बराबर, उससे हमें क्या मिल रहा है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपने अपनी सेहत को कैसे अच्छे रखें? काम तो अच्छा है बराबर है, काम तो अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी है कि आप जब भी मैं जो आगे जो बोलने वाला कि उत्पाद सही रहेंगे? क्या गारंटी है? हमने कभी सोचा है क्या जब भी जाहिरात जब भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है कभी हमने कभी सोचा कि वाकई अच्छा रहेगा बुरा रहेगा? नहीं। क्या किया हमने? इसने क्या किया? खरीद लिया और उसका क्या किया? इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद पता चला सही है गलत है बराबर है, और उसके बारे में बहुत कुछ भी लिख के आता है फिर भी हम क्या बोलते हैं? वो सही रहेगा, गलत लिख के रहे फिर भी वो सही आएगा और हम उसको चालू रखते हैं। लेकिन उसके शरीर पे अपना कितना दुष्प्रभाव हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचते। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या सही है कि नो गारंटी इन हेल्थ सेंटर बराबर है ना, जब भी हम अस्पताल में बीमार कोई होता है अस्पताल में तो पहले क्या दे देते हैं? एक फॉर्म बराबर ना, जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। आप खुद आए, मैं नहीं आया था, आप खुद आए मेरे पास, तो आप मुझे लिखवा के नहीं लेंगे।
जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं खुद रहूंगा। ये कहते हैं ना, कोई हेल्थ सेंटर में कोई गारंटी देता है क्या? नहीं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्या मैं ये चाय पीने से वाकई में ठीक हो सकता हूँ? इसका क्या गारंटी है? चाय तो चाय है ना, लेकिन पता कभी चलेगा ना के बाद? क्या एक ही बार पीने का पता चल जाएगा? नहीं सर, लगातार पीने के बाद ना हमारी सेहत भी कैसे खराब होती है? लगातार कुछ चीजें करने के बाद ही वो सेहत खराब होती है सर। एक बार नहीं करने देते, लगातार करने देते हम इसको कारण क्या? एक बार नहीं, बार बार के लिए पता चलेगा कि हाँ इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ 21st सेंचुरी में। क्या वेलनेस? सिर्फ वेलनेस ही। तो वेलनेस और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में मैं आपको वेलकम करता हूँ, और वेलकम करने के साथ बैठे हुए वो है रिएक्शन कंपनी का ऑफिस। ठीक है, हम ये रिएक्शन कंपनी ऑफिस, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये बहुत बड़ा बिगेस्ट बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल मार्केट में। ऐसे क्या देखते ना, मार्केट में ब्रांड ब्रांड होते हैं ना ब्रांड, और हम क्या करते हैं ब्रांडेड चीजें चाहते हैं हमेशा। और अगर आपके सामने रख दी दो चीजें, एक रख दी मारुति 800 और एक भी मर्सिडीज, सब कौन से लेना चाहेंगे? सबके मुंह से आए मर्सिडीज। क्यों? क्वालिटी ब्रांडेड ब्रांडेड ना, बरबर ब्रांड, तो हर एक वो ब्रांडेड चाहिए। तो यहाँ पर जो सारे उत्पाद कैसे ब्रांडेड है, कंपनी ब्रांडेड है, और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्रांड है इंटरनेशनल मार्केट में। कैसे ब्रांड है आगे चलते, तो इस कंपनी का जो उत्पाद है मेन उत्पाद है मेन जो कोर प्रोडक्ट वो क्या है? किंग ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा का राजा। और क्या है उसका नाम है? गैरा। इसके बारे में अगर आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो लाखों नहीं उससे भी कहीं ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन आपको बढ़ने को मिलेगी। पूरा आज दुनिया इसके पीछे भाग रहा है। क्यों? इसके कुछ बेसिक कारण है। ये क्या कारण है? ग्यारह ब्रह्मा, ग्यारह 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 ब्रह्मा मीनिंग क्या है? ग्यारह यानी चमकने वाले, धर्म यानी सुगंधा। ये जो फ्रूट जो है, ये जो फ्रूट है सुपर जो है, इसकी जो शाइनिंग है त्वचा जो है वो शाइनिंग है, तो कभी खराब नहीं होता है, ये शाइनिंग रहती है। इसलिए जो ज्ञानो यानी चमकने वाली स्किन है धर्म। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? इसका बेसिक क्या रूप है? क्या करते हैं ये? इसका अगर हम सेवन करने से क्या फायदा मिलता है कि हमारे शरीर में जो हम न चाहते हुए जो ये चीजें जा रही है, जैसे अभी हवा भी है, पानी भी है और भोजन, इसके माध्यम से जो चीजें हमारे शरीर में जा रही है, और उसके बदले में हमारे शरीर में क्या हो रहे बहुत सारे बीमारियां पैदा हो रही है, डिसऑर्डर निर्माण हो रहे हैं। तो इसका एक ही काम है, शरीर में जो गलत चीजें जा रही है उसको क्या करना है? बाहर निकालना है, और जो शरीर जो डिसऑर्डर में गया हुआ है उसका एक ही काम है वापस उनको ऑर्डर में लेके आना। एक ही काम होता है, क्या करना है? जो डिसऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर में लेके आना, यही एक उसका मेन काम है। बराबर है, क्योंकि बीमारी का मूल कारण यही है आपके शरीर में विभिन्न टॉक्सिन्स बराबर है और इम्बैलेंस दो चीजों की वजह से होता है, एक आपको टॉक्सिन की वजह से इम्बैलेंस होता है और दूसरा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से इम्बैलेंस होता है। तो उसका काम क्या है? जो टॉक्सिन्स जो विषैले पदार्थ अपने शरीर में जो जमा हुए उसको निकालना, और जो सिस्टम जो खराब हुई है उसको वापस ऑर्डर में लेके आना, वही उसी कंडीशन में लेके आना। मेडिकल साइंस के पास डिसऑर्डर को वापस ऑर्डर पे लेके आने का कोई उपाय नहीं है। ये सिर्फ उपाय जो है वो किसने है? अपनी आयुर्वेदा। ये ताकत सिर्फ आयुर्वेदा। देखो पूरे पहले के जमाने के लोग ज्यादा लिखे थे ना, बराबर है, उनको बीमारी कभी आती थी, कभी कभार आती थी, 60 साल या 50 साल 60 साल के बाद कुछ बीमारी आती थी, तभी वो क्या करते थे? वैद्य रहते थे गाँव में, बराबर है, कभी अस्पताल नहीं हुआ करते थे, वैद्य रहते थे, तो क्या उनके पास रहते और क्या बोले जड़ी बूटी ले देते और अपना जो प्रॉब्लम जो समस्या हुई उसको ठीक कर देते थे और जिंदगी आगे की जिंदगी ठीक कर देते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या है? आज के जमाने में अगर 10 साल भी अगर बगैर मेडिकल के साइंस निकाले मेडिकल के, तो भी बहुत बड़ी बात है। आज की जिंदगी भी बहुत है, 60-70 साल आदमी जीता है, लेकिन आधी सी जिंदगी उसको क्या करना पड़ता है? मेडिकल साइंस की हेल्प नहीं होती, बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वापस, तो हमें अपने बदलाव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें पुनः वही पद्धति हमें अपनानी पड़ेगी, बोलो, वही पहले के खान पान वही है, वही सिस्टम को हमें अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम जो फास्ट है हो चुकी है,
क्योंकि इसके भी हम एक अंग बन चुके हैं, विभिन्न अंग बन चुके हैं, इसको हम टाल नहीं सकते। तो इसी फास्ट टाइम में हम अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वही पद्धति को लेकर, ठीक है, उसी के बारे में आज आपको जानकारी। तो ये जो कपूर जी जो एडजस्टिंग कंपनी, तुम्हें बता कि यहाँ पे जो उत्पाद जो है उसकी क्या गारंटी है, बराबर सही रहेगी, तो उसको ये भी आपको मैं बेसिक बताना चाहूंगा कि उत्पाद अच्छे रहेंगे तो ही लोग खरीदेंगे या गलत रहेंगे तो खरीदेंगे, अच्छे रहेंगे बराबर। तो ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं इसलिए आज 14 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसको कंजम्पशन कर रहे, खा रहे, क्यों खा रहे, अच्छे अपने स्वास्थ्य के लिए, उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है इसलिए। और ये कितने कंट्री में जा रहा है, 230 कंट्री में। आप जानते हैं कि एक उत्पाद दूसरे स्टेट में लेके जाना भी कितना मुश्किल होता है, कितने सारे सर्टिफिकेशन चलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर कितने कंट्री ले रहे हैं, 230 कंट्री में। क्यों यार, अगर प्रोडक्ट खराबी होती है, अगर प्रोडक्ट काम नहीं करते तो क्या चाहते थे, क्या सकते नहीं है। मतलब इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि 230 कंट्री के लोग इसको उसके स्वास्थ्य के लिए खा रहे, ठीक है। इसका बेसिक हमने क्या किया, कंपनी ये कहती है आप इस उत्पाद को इस्तेमाल करो, आपको अच्छा लगता है क्या, इसके फायदे आपको मिलते हैं क्या, अगर फायदा मिलता है तो क्या करो, लोगों से शेयर करो, सिंपल बात है, सिंपल लोगों से शेयर करो। क्योंकि देखो ये सब सारा अपनों का मार्केट है, कुछ हमें जब भी अच्छी चीजें लगती है तभी हम किसको पहले बताते हैं, जो अपने होते हैं उनको बताते हैं, बराबर, बाहर की दुनिया बाद में, बाद में, लेकिन पहले जो अपने लोग होते हैं उनको बताते हैं क्या करना, पहले इस्तेमाल हो, बाकी आपको अच्छा लग रहा है क्या, क्या फायदा हो रहा है शरीर में, शरीर में फायदा हो रहा है, स्वास्थ्य सुधार आ रहे हैं क्या, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज इस्तेमाल करने से मेरे शरीर में फायदा हो रहा है तो आप क्या करो, ये जो फायदा है वो आप लोगों से शेयर करो, ठीक है। ये कभी शुरू हुई है, 1993, और आज क्या चल रहा है, 2023, मतलब कितने साल हो गए, 30 साल हो चुके, मतलब क्या है, कब हो चुके हैं, देखो शुरू बहुत सारी कंपनी बनती है लेकिन आधे से क्या होती है, अगर 100 कंपनी बनती है तो 100 में से 90 कंपनियां पहले 10 साल के अंदर ही बंद हो जाती है, पहले 10 साल के अंदर, और आगे जब 10 साल के आगे कुछ कंपनियां चलती है तो आगे 15 साल या 20 साल तक जाते जाते वो 10 में से सिर्फ एक कंपनी बाकी कंपनियां बने हुई, तो मार्केट कंडीशन बहुत सारे कारण रीजन होते हैं उसके लिए, वो प्रॉफिट नहीं कर पाती, फिर क्या मतलब है, वो आगे चलते होंगे, जो शक्तिशाली जो ताकतवर होती है वही कंपनी आगे चलती है, वो एक भी चलती है। तो आज ये कंपनी कितने साल से चलती है, 30 साल से, मतलब क्या कंपनी स्टेबल है, बराबर, कहीं पर इधर उधर नहीं हो रही, और लगातार क्या कर रही है, लगातार इसके उत्पाद लोगों को पसंद आ रहे हैं, विश्व स्तर पे ये कंपनी रैंकिंग करती है 15th रैंक पे डायरेक्ट। अब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, ये सारे जो उत्पाद जो ऐसे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई ऐसे सिंपल सारा कोई गरीब चीज क्योंकि इसने बना दिया और लेके ऐसा नहीं है, सालों साल रिसर्च करने के बाद, क्योंकि जब भी शुरुआत हुई 1990 तक शुरुआत हुई थी उससे पहले 10 साल पहले रिसर्च हो चुका है, रिसर्च करने के बाद ये उत्पाद आ गए, 10 साल रिसर्च करने के बाद ये उत्पाद आ गए। तो ये जो उत्पाद है, ये जो कंपनी है, इसके जो लोगों को स्वास्थ्य सुधारने वाले जो उत्पाद है, ये रेगुलर कौन आए थे, डॉक्टर एक एलोपैथी बेस्ड डॉक्टर, वो एक चीज वो मानेंगे क्या, क्योंकि देखो अगर हेल्थ के बारे में सुधार आता है तो पहला अपोज कौन करेगा, डॉक्टर ही करेगा ना, सिंपली बात है, क्योंकि उनके हाथ से अगर वो चला जा रहा है तो क्या करेगा, पोस्ट करेगा। लेकिन कुछ डॉक्टर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई मेडिकल प्रोफेशन में प्रोमोटेड होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास आया हुआ जो व्यक्ति वो क्या हो, स्वास्थ्य सुधार हो जाए, उसमें ठीक हो जाए, बराबर है। तो ये डॉक्टर मिलेगा कि वाकई इसके जो उत्पाद है लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए, इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद ये कंपनी जो है यहाँ पर मैंने लॉन्च कर दी। और उनके साथ साथ में डॉक्टर एस रंजन, ये कौन व्यक्ति है, अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पर्सनल फिजिशियन है, उनके खानदान पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं अपने राष्ट्रपति, बराबर है। तो ऐसी व्यक्ति है
कि जिन्होंने मेहनत करके आज सबको गलत किया है, लोगों तक ये पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? अगर प्रॉब्लम की डिग्री इतनी बड़ी है, वो सब देखने के बावजूद वो आज इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे, लोगों को वही पुनः पद्धति जो है मेरी जो पद्धति है वहां पर लेके जाना चाहिए। इसके जो उत्पाद है कौन खा रहे हैं? दुबई की टीम संभव दुबई की टीम यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ये तो ऐसी चीजें खाते हैं जो क्वालिटी वाले रहेगी, बराबर है। और हम वो भी देखते हैं कि यहाँ पे नियम जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कड़क है, बराबर है ना। अपने यहाँ पे क्या कुछ भी खाया मर गया तो इस तरह वहां पर ऐसी बात नहीं। तो ये उत्पाद कौन खाते हैं? दुबई की टीम क्यों खा रहे हैं? प्रोडक्ट में क्वालिटी होती तो खाएंगे ना, बराबर है। खुद नहीं वो अपने परिवार को भी वो खिला रहे, बराबर। वहां के फूड फैक्ट्रीज भी इस अपने जो उत्पाद है उनको कंजम्पशन कर रहे। कौन सी फैक्ट्री है? तेलंगाना फैक्ट्री है और स्पिरुला जो है जिस कंपनी का उत्पाद है। जैसे मैंने कहा था कि दो तरह से हमेशा इम्बेलेंस होता है, एक पोषण की गति की वजह से और टॉक्सिन की वजह से, बराबर है। तो पोषण की जो भी है सबसे बेहतर है वो कारण है, उसके 25 फॉर्म कंपनी लगा चुकी है और दो तरीके गैरानो बेस्ड प्रोडक्ट सारे बनाए हैं। जैसे मैंने एकदम पोअर प्रोडक्ट से बनाए गए हैं, जैसे टॉक्सिन करना और शरीर को बैलेंस करना, सिस्टम को बैलेंस करना। ये क्या सारे अनहेल्दी से हेल्दी प्रोडक्ट के लिए हम जा रहे हैं। जब हम रोज की जिंदगी में जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या हमें स्वास्थ्य मिल रहा है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है? देखते हैं। और ये हम साबित भी कर सकते हैं कि क्या उस जो चीजें है उसका इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में एनर्जी वाकई मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो साबित भी कर सकते हैं। और हमारे जो उत्पाद है उसको भी हम साबित कर सकते हैं कि एक कॉफी और एक चाय अगर पिएंगे तो हम एनर्जी मिलेगी और ये साबित भी कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हमारे जो कुछ है इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में अनहेल्दी से काम करने की जगह हेल्दी की तरफ। तो सिंपल है, मनी से इज मनी। अगर हम अनहेल्दी होने से हम क्या करते हैं? अच्छा करते ना। अगर हम हेल्दी बन गए तो हमारा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? मनी सेव इज मनी। इन केस 99% लोग प्रेजेंट करो, अगर आप काम नहीं किया तो क्या जाएगा? तो आपको क्या जाएगा? क्या जाएगा? कभी आपने सोचा कि मार्केट से हम चीजें लेके आते हैं अच्छा नहीं था तो क्या हमारा मार्केट जाते हैं? कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसको क्या करेंगे? नहीं लेंगे, बोले खराब है एक चीज, बराबर है। क्योंकि यहाँ पर भी चीजें इस्तेमाल करने से आपको क्या जाएगा? क्या जाएगा? कुछ नहीं आएगा। प्रोडक्ट इस्तेमाल किया फायदा तो 100% करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आपके मन में क्षमता है 90% इम्पोर्टेंट है, 1% है, 1% है, क्योंकि यही 1% है जो हम हर जगह पे रखते एक का। जैसे कि हम लोग बहुत से लोग अभी ट्रेन से गया है ना, तो वहां पर भी हमने क्या किया? ट्रस्ट रखा ना, विश्वास रखा कि ये ट्रेन वापस अलग भी जाएगी, चलाने वाला भी सही होगा, बराबर है। अगर वहां पर हमने डाउट किया तो क्या हम पहुंच पाएंगे? नहीं पता। मतलब जिंदगी में 1% ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, 99% बने नहीं, लेकिन 1% ट्रस्ट बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये 1% ट्रस्ट आपने रखा और रिजल्ट मिल गए तो बहुत क्या होगा? 1% ट्रस्ट चलो ठीक है करके तो देखते हैं, 1% ट्रस्ट और सुधार हो गया तो तो आप ये भी सोचते कि अगर ये उत्पाद इतने अच्छे हैं तो कंपनी ने आपको क्यों बोला प्रॉफिट ना? आप क्यों बोल रहे हो? आपको क्या जरूरत है? ये बोलते ना आप तो आप ये बोल रहे थे, जैसे मैंने कहा अपनों का मार्केट अपनों का अपने लिए अपने लोगों के लिए, बोलो बाहर दुनिया में जो चलता है वो किसके लिए चलता है? किसी से एक व्यक्ति के लिए चलता है, और एक व्यक्ति आता है एवरेज करके चला जाता है, के बदले में उसको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, ठीक है। चीज सही है या गलत है, बराबर है। आज भूतकल भी जाहिर होती है और वाइन की भी एडवर्टाइज होती है, क्या चीज सही है?
लेकिन जानते हुए गलत चीज वो भी क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं गलत चीज। ये अपनों का मार्केट है, जब हम चीजें इस्तेमाल करते हैं हमें अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं अपनों को बोलते हैं। ये वाकई चीज जैसे चाय की, चाय में जो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे क्यों, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है और पहले अपने लोगों को, तो अपनों का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है और हम ट्रस्ट वहीं पर रखते हैं ना, क्या वाकई मैंने इस्तेमाल किया, जैसे मैंने इस्तेमाल किया तो तू भी इस्तेमाल, ये अपनों का मार्केट। तो ऐसी जो चीजें हम डेली डेली रूटीन लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सा चीज है देखो, सुबह उठते हैं क्या करते हैं, हाथ हाथ में और बराबर है, उसमें कितनी वैरायटी आ रही है, एक ही कंपनी निकालती है अलग अलग टूथपेस्ट, एक ही कंपनी ने 10-15 रुपए निकालती है, अगर तुम्हारे एक ही टूथपेस्ट रही हो तो इतना इतना क्या करोगे, लोगों के मन में एक सवाल नहीं आता, लेकिन क्या अब लाल वाला आ गया, कल नीला वाला आ गया, कल और कुछ बराबर, एक ही कंपनी निकालती है और क्या सो क्या वो स्टॉक वाकई है क्या, बात सोप है कि प्रोडक्ट सोप है, कोई सोचता नहीं, लेकिन क्या टीवी पे कोई हसीना आ गई यार दिखा दी तो क्या करेंगे और क्या आलू क्या लगा दिया, शैम्पू लगा दिया और हेयर ऑयल लगा दिया, कपड़े में धोते है वॉशिंग पाउडर और क्या हार्बर पाउडर लगा देते है और क्या लोशन फेशियल क्रीम, ऐसे बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमने कभी सोचा कि ये क्या चीजें वाकई हमारे सेहत के लिए अच्छी है, अच्छी सेहत अच्छी हो रही है। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है, या मेरे एक पेशेंट की थी, मेरे चली गई थी, वो कहीं पर चली गई फेशियल करने के लिए और कुछ दिन के बाद उसको पता चला उसकी आंखें चली गई, अभी वो अंधी होकर बैठी है, तो कुछ नहीं सही है, हम कभी सोचते कि क्या वाकई हमारे लिए ये सही है क्या गलत है, उसके बाद हम जानते चाय भी दे सुन करके पियो या फिर बोलो वाह होती लोगों के मन में इतने फिट बैठा हो, लेकिन क्या हमारे लिए सेहत के लिए अच्छे है, क्या कभी हमें सोचा गया, जैसे हमारे बच्चों को हम चला दे हेल्दी क्या 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 वो सही मायने को पोषण दे रहा है, कभी सोचा नहीं वहां पर कभी कीमत लगाई उसकी, क्या आपने देखा है कि वहां पर उसकी हाइट बढ़ी है क्या, देखा तरह से ऐसा हाइट बढ़ती है, क्या वाकई हुआ है क्या, कभी सोचते क्या इसके बारे में, और घर में आगे तो बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं, अभी चला गया मई महीना बराबर है, कितने सारे जल्द ड्रिंक्स आ रहे हैं, क्या वो सही है कभी सोचा, क्या हमारे सेहत के ऊपर इसका असर हो रहा है क्या कभी सोचा, बाद में क्या अभी तो जमाना है मल्टीविटामिन का, वो भी ज्यादा है तो ये सही मल्टीविटामिन खाओ, लोग सोचते भी नहीं जाहिर से देखा जाए ये एक्टर खा रही है तो मुझे भी खाना चाहिए, वो वैसे दिख रही है क्योंकि तो वही खा रहे हैं, कभी सोचा गया कि वो सही है क्या, कहाँ से बन गए, कभी सोचा कभी रिसर्च किया गया कैसे बने, ये भी है महिलाओं के स्पेशल ड्रिंक्स क्या एनर्जी ड्रिंक क्या डाला है तो वाकई उसमें हेल्थ है क्या, कितना परसेंट है, आपने कभी देखा क्यों उसके ऊपर, जो बातें होती है वो कहीं पर कुछ भी नहीं रहती, बहुत सारे एक एग्जाम्पल है आपके लिए, और सुबह का नाश्ता ब्रेड बटर क्या बटर वो सही है, जाम वो सही है, बहुत बड़ा डिफरेंस है सॉल्ट आज की तारीख में हार्मोन इम्बेलेंस करने के लिए, पहले वाले जो सॉल्ट लेते थे उसको सारे मिनरल को सब लेते, लेकिन आज की तारीख में सरल कैसे गिर रहा है, क्या जाहिर है, ये सारी बहुत सारी चीज है, फिर क्या साबुन भी लगाते हैं क्या बर्तन धोने के लिए करते हैं ना, बर्तन धोते और घर में क्या लगाते हैं अगरबत्ती पूजा लगाते हैं, क्या वो सही है क्या, धुआं मच्छर का पूजा लगाते हैं सही है क्या हमारे लिए, और इस तरह क्या होता
तेल लगा के मसाज वाइल अभी करते नहीं है, अभी तो बहुत कम हो गए, अभी तो जगह जगह के खुल गए, तो कोई जाता है कोई जाता है। तो पहले तो पहले वाले लोग हफ्ते भर में तो करते करते मसाज बराबर है, लेकिन आज तक हम मसाज कभी करते दिवाली में पहले नहीं है ना। अब बेंग स्नान तेल लगा के स्नान करते हैं बराबर है, उसके बाद में ब्रश मैंने मेरे बताया था, और कुकिंग बिस्किट्स सबसे महत्व बिस्किट मेरे से बना हुआ, लेकिन चाय देती है तो लोगों को वही सही लगता है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही जिंदगी, इसका शरीर पे इतना असर हो रहा है, ये सारी अगर इसकी एनर्जी चेक करेंगे ना तो सबसे बड़ी घटक बारे से जीरो एनर्जी। आप मल्टीवेटर की भी एनर्जी चेक करेंगे ना तो जीरो एनर्जी। तो मुझे पता है कि क्या ये ऐसे उत्पाद खाने चाहिए नहीं, तो आपको एनर्जी जीरो थी, तो आपको कैसे उत्पाद खाने चाहिए जिससे आपके शरीर में एनर्जी हो। तो ये यहाँ पे जो हमारे बेसिक जो एक्सपेंसेस है ना, बेसिक एक्सपेंसेस जो हम खर्चे कर रहे हैं जिससे हमारे सेहत खराब हो रही है बराबर है, तो उससे क्या करें क्या करिए ब्रांड चेंज करके देखिए ना, कुछ महीनों के लिए चेंज करिए, क्या फायदा होता है आपको ये सही उत्पाद लगे तो कंटिन्यू करो, वरना क्या करो वही है अपने पास पुराने वाले जो आपको सही लगता है, उसके लिए तो कोई मना ही किया नहीं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो उससे क्या होगा जो हमने एक्सपेंसिस जो है ना जहाँ पर कर रहे हैं फूड एंड बेवरेजेस मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स पर्सनल केयर है लॉन्ड्री एंड हाउस केयर यहाँ पर जो खर्चे कर रहे वही क्या कर रहे हैं सिर्फ ब्रांड बदल के देखो बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, आपकी कुछ सेविंग्स बनेगी, आपकी लाइफ कैसे होगी हेल्थी और लॉन्ग लाइफ देगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देगी, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ ये बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो एक बार इस्तेमाल करेंगे आपकी मानसिक सब खुद से खुद बहुत अच्छी हो जाए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए जाएंगे तो क्या मतलब आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ बिल्ड एंड सेक्योर इनर सेंस ऑफ ब्लड वर्क अपने लिए अच्छा होने के लिए, तो हम अपने आप मुझे ना जो कर्म जो करते हैं तो हमारे पास जो कर्म उसको मिलते हैं हमारे आने वाले दिन जो कुछ हम काम करके जाएंगे वो एक अच्छा काम करेंगे। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है अपने घर से चला होता है, घर से चल रहा है। देखो जैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, देखो ऊपरी लेवल पे कितने परसेंट लोग हैं 3% लोग, 3% उसके जाने का जो है वो रास्ते यही है अपने घर से शुरू होता है। आपको ऐसी लाइफ चाहिए इधर मोबाइल जहां पर आपको इसे काम मिला जहां आपको हेल्थ भी मिलेगी हेल्थ भी मिलेगी और सबसे बड़ी हैप्पीनेस खुशियां अपने अपनी जिंदगी में खुशियां चाहिए और ये दोनों चीज रहेगी तभी हमें खुश है। ठीक है तो ये रास्ता कहां से अपने घर से थोड़ा सा बाहर नहीं लेकिन अपने घर से थोड़ा यहाँ रेगुलर सर्जरी करते हैं लेकिन इससे आज तक हमने क्या किया पैसा लगाया। हेलो आप अगर जाने की जरूरत है क्या कौन चीज इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोगों ना ऐसे कुछ ढूंढने वाले क्या सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना बराबर सभी लोग इस्तेमाल करने वाले ऐसा भी है स्पेसिफिक कुछ ही लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसा कुछ नहीं है सारे लोग कुछ ही इस्तेमाल करते महाराष्ट्र पॉपुलेशन कितना है 12 करोड़ और उसमें हम क्या करेंगे मुंबई में रहते मुंबई में कितने हैं सबसे ज्यादा काम रहे थाना पुणा मुंबई सबर्बन ये सारे क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट वाइज सब सारे पॉपुलेशन के यहाँ पे मुंबई सिटी है अभी ये देखो ये मुंबई की कितनी पॉपुलेशन है
दो वाले पेज दो करोड़ ऊपर देखो 2,12,97,000 बराबर है, मतलब तकरीबन 2.5 करोड़ लोग मुंबई जैसे शहर में रहे, ये सारे लोग चीजें वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही करके क्या कर रहे हैं, वही उसी जगह पे जा रहे हैं एलपी की तरफ। अब उनको एलपी तरफ ले जा सकते बराबर है, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, ये जो 2.5 करोड़ उसको हमने अगर 10% भी बोला, 10% कर देते हमने 20 लाख 20 लाख लोगों को भी पहुंच गए, तो भी हम बहुत बड़ी बाजी मारे, क्या करें ऐसी क्या करें, मुंह को जो तारा लगा हुआ है ना वो खोलना है, पट्टी निकालना है। देखो क्या बोले, बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे फायदा हुआ ना, दूसरों किसी को नहीं बोलना, किसी दूसरे किसी को नहीं बोलना, पहले लोगों ने ऐसे नहीं थे, पहले लोगों ने क्या लोग अच्छी चीज होती तो तुरंत आपने लोगों से बात कर देते, लेकिन आज के टाइम क्या आज के समाज कैसा हो गया, लोग देखते वो कितना भी परेशानी है कितने भी टेंशन में, लेकिन उसको नहीं बताए, इसलिए आपको क्या करना है, मुंह की पट्टी खोलिए, आप जो वाकई इस्तेमाल किया आपको जो फायदा हुआ वो बता दीजिए अपने बारे में। मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्योंकि हमने आज तक जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या बन रहा है, वही जो हम भोजन ले रहे हैं क्या फर्टिलाइजर्स है, तो डाइजेशन आपका 100% खराब हो गई, जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका यही एक नतीजा है। देखो हर किसी से बात करके देखिए क्या है प्रॉब्लम यही है, तो उसके लिए हमारे सबसे बेस्ट क्या चीज है, बेहतर कैसी है, बेहतर कैसी है, क्या गारंटी है कि बेहतर है, अच्छी है, इस्तेमाल करो पता चल जाएगा, लेकिन इससे क्या फायदा है कि क्यों चीज अच्छी है ये मैं बताना चाहूंगा। देखो हम पीएमसी का पानी पीते बराबर है, और हमें ये पता है कि हमारे शरीर को अलकलन रहना अच्छा है, अलकलन रहेगा तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, जैसे हमारा शरीर एसिडिक बनेगा तो हमारे शरीर में बीमारी आएगी, ये कॉमन सेंस वाली बात है सबको पता है बराबर है। तो हम जो बीएमसी का पानी पीते हैं क्या उसकी पीएच में तबियत अच्छी थी, क्या वो अपने शरीर के सही है क्या, उस दिन हमारी बात हुई थी जब आपने पूछा था कि गाँव घड़े में अगर मुझे वो अलग अलग मशीन लगा दी है अलग अलग वाटर की तो क्या पॉसिबल है, तो उसको क्या जवाब दिया था, महंगी मशीन होती है बराबर है, पहले पूछा जाता है मशीन बताया था बराबर है, कहीं कहीं लेकर तो रहेगा नहीं मशीन, गाँव कड़े में वो मशीन लगाना पॉसिबल नहीं बराबर, वहाँ पर पानी भी अलग है बराबर है, तो पॉसिबल नहीं, लेकिन हमारे शरीर को तो अलकलाइन वाटर चाहिए ना, अलकलाइन वाटर पिएंगे तो हमारे शरीर क्या होगा, अलकलाइन वाटर डिटॉक्स होगा बराबर, शरीर सिस्टम अच्छी रहेगी, तो अलकलाइन वाटर हम कहाँ से लाए, क्या हम भी मशीन खरीद ले, इस पर सबसे आसान और बेहतर तरीका जैसा उन्होंने पूछा था गाँव कड़े में कैसे शहर में लगाएंगे कापड़े में कुछ नहीं, ये जो चाय है ना सिर्फ रात को उबले हुए पानी में डाल के रखें या फिर सादे पानी में डाल के रखें, सुबह होने के बाद उसको तैयार हो, इसका पीएच लेवल 7.5 मतलब सबसे बेस्ट है, कोई मशीन की जरूरत नहीं, अगर ये पानी रेगुलर पीते रहेंगे आपके शरीर के लिए बीमारियां बनती है या निकलेगी, सिंपल सी बात है आपका शरीर अल्कलाइन होता है ऑटोमेटिकली, और जो एसिडिक होने की वजह से बॉडी एसिडिक होने से जो प्रॉब्लम्स आती है जैसे एंड्रोजन कम हो जाता है, कैंसर गठिया और हार्ट अटैक, ये जो सारी बीमारी है जो हो रही है उससे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, सिर्फ आसान तरीका, आपको कोई 2-2.5 लाख की मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, 40-50 हजार की मशीन लगाने की जरूरत नहीं, कीमत इसी कितनी है 450-450 रुपया कीमत है, लेकिन हमें कितनी मिलती है 360 में मिलती है, सस्ती है महंगी, सारी बीमारी हम कंट्रोल करते हैं,
ये चीज ले सकते हैं, पी सकते हैं। अब ये कोई दवाई है क्या? चाय तो ऐसे ही पिएगा, लेकिन बाहर की चाय है क्या ऐसे नहीं है। कभी हमने देखा नहीं कलर डाल के दे दिया, लेकिन ये ओरिजिनल चाय आप पीते रहिए। ये चाय ऐसे क्यों है? 7.5 भाई पीएच क्यों होता है? क्योंकि इसमें 11 रोमा है। 11 रोमा का काम क्या है? शरीर से ऑक्सीजन निकालना और क्या सिस्टम को बैलेंस करना। ये चाय अगर रेगुलर पीते रहेंगे तो फैमिली को स्वास्थ्य मिलेगा। बेस्ट है भाई से कोई जो प्रॉब्लम है समस्या उसको बात करें। अभी दूसरी बात है एनीमिया। ये मतलब क्या? खून की कमी। खून की कमी सब जानते हैं, खून की कमी बराबर है। ये एक्सेस रिपोर्ट है 18 से ऊपर की होते हैं वो मैक्सिमम लोग आज उनको खून की कमी हो रही है। सब लिख के आ रहे हैं। अभी जो खून की कमी है खून बढ़ाना चाहिए, अच्छा खून होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसके पास जवाब नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेंगे? बेटा इसकी गोली का या फिर क्या डाइट फॉलो करो, बराबर है। और डाइट में क्या मिल रहा है? वही चीजें बराबर है। खून की कमी ऐसी रही तो इसके ऊपर सबसे आसान है वो इसे खून की कमी की वजह से क्या होता है? चिड़चिड़ापन बराबर, ये सारी चीजें, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें बढ़ती है तो इसे सबसे आसान क्या है? कुदरती भोजन। ये किसी मानव ने नहीं बनाया, ये कुदरती भोजन है, कुदरत ने दिया भोजन है। जो हमें चाहिए सारी चीजें जो हमारे शरीर को चाहिए वो सारी चीजें क्या है, क्या करता है? सबसे लिए अपने शरीर में मतलब क्या खून की कमी को दूर करता है, खून बढ़ाता है, ठीक है। क्या इंटरवेस मेटाबोलिज्म क्या बचे डाइजेशन सुधारता है, बराबर है। बूस्ट इम्यून सिस्टम, कोरोना में पता चला था इम्यून सिस्टम क्या होती है, बराबर है। तो क्या करता है? बढ़ाता है। दूसरी एंजाइटी, लोअर कोलेस्ट्रॉल, सपोर्टिंग मतलब क्या डिटॉक्सिफाई, जो चीज नहीं चाहिए करिए। और हेल्थ प्रिवेंट कैंसर, क्योंकि ये बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है, उसको क्या करते हैं? प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। इसकी प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 60-70% वेजिटेबल, डाइजेस्टेबल, थोड़ा थोड़ा शरीर सोख रहे हैं जितना चाहिए। और इसमें क्या बोला गया? बेस्ट फूड फॉर टुमारो, भविष्य का सबसे बेहतर खाना। ये कभी हो जाए 1972 में हो जाए, आज के चल रहा है 2023 चल रहा है, बराबर है। सबसे बेहतर चीज है खाने के लिए सबके लिए, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी उसको खा सकते हैं। रोटी नजर का खर्चे कर ही रहे क्या करते पेश लगा रहे ना, तो हमने क्या किया? सिर्फ मैंने कहे वाला है कि ब्रांड को चेंज किया, ब्रांड को चेंज किया। देखो कितना खर्चा हो रहा था, 3.65 इसका एमआर जो होती है, तो हमें कितना कितने मिला? ये 2940 डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हमने क्या, मैंने क्या बोला था? मूवी हो पट्टी लगा तो क्या बोलिए, और दो ही चीजें बता दीजिए लोगों को। ये आप जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो निकाल दीजिए, ये ब्रांड इस्तेमाल करके 6 महीने तक इस्तेमाल करके देखिए क्या होता है, क्या फर्क मिलता है, बराबर। ये करके तो क्या समस्या जो क्या है, गैस कब्जियत भूख में लगना लीवर मजबूत, ये सारी समस्या ना तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फायदा करेगा। और यहाँ पे क्या है, पोषक पोषक तत्व कमी हो गया है, थकान कमजोरी आलस सुस्ती चिड़चिड़ापन ये सब हो रहा है, बराबर है। इसलिए फायदा करेगा, क्या फायदा करेगा अगर इसकी हम बात करते लोगों बराबर। जैसे मैंने कहा कि मैंने दो प्रॉब्लम पे बीमारी और बेरोजगार, बराबर है। अब वो 5 लोगों से बात करें तो ये चीज बहुत अच्छी है, अगर आप कंजम्पशन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार है। तो रोज 5 लोगों से बात करेंगे तो महीने में 30 लोग तो होंगे, 5 में से 1 व्यक्ति तो आपको सुनेगा, लॉक एवरेज वही कहते हैं, और 1 व्यक्ति सुनेगा। कम से कम महीने में 30 लोग सुनेंगे तो आपने एक अच्छा क्रांति ले लिया कि 30 लोगों की जिंदगी से एक स्वास्थ्य ले गया। अगर
उतना भी नहीं आया। तुम बोलते मैं इतना मास्टर नहीं हूँ, तो कम से कम 15 लोग तो बोलेंगे, 15 लोग तो बोलेंगे आप, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इसके ऊपर खर्चे कर रही है ना, चेंज करके देखो इतना 15 भी नहीं, चलो उसका भी आधा 7.5 तो हो सकता है। अगर इतना भी नहीं होगा तो क्या करना है, चुप जा, बहुत पट्टी लगा के ऐसे हम 6 लोगों को हमने क्रांति रिवर्स ले लो। मैं क्या बोला, ये अभी 20 लाख लोगों के जा रहे हैं, तो मैं जाऊंगा क्या? नहीं, 2.5 करोड़ की बम गई है, मैं कह जाऊंगा क्या? नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे क्रांतिकारी लोग बनानी है। क्रांतिकारी लोग जो मैंने लोगों को दिया उनको पसंद है, ऐसे में 6 क्रांतिकारी लोगों को हमें स्वप्न से मिला था, कुछ क्रांतिकारी हो गए इसलिए स्वप्न से मिला ना। तो हमें कितने लोग चाहिए? 6 लोग चाहिए, 6 लोगों के क्रांतिकारी चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपने घर का जो सामान है वो बदल दिया, बराबर है, सामान बदलिए बदल लिया। तो वो सामान बदली करने से आपको 270 रुपये मिले, नुकसान है कि फायदा? फायदा है ना। इससे पहले हम क्या क्या बातें कर रहे थे, जानबूझ के बारे में तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पे हम जानबूझ के बातें करेंगे, अच्छा अच्छी चीजें बात करेंगे तो आपको उसको बदले में कुछ नहीं। इससे पहले हम क्या लोगों में सुनते थे, अब हम क्या करेंगे, लोगों को सुनाएंगे। तो करते 270 में मिला, चलो ठीक है उसको मिला, लेकिन हम विरोध नहीं कर सकते, ये कितना बहुत बड़ा विचार होगा। इसी मतलब ये रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, वेलनेस 21st सेंचुरी की ये क्रांति है, वेलनेस की क्रांति और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री है उसकी क्रांति है, बराबर है। ये क्रांति कितनी बड़ी हो रही है, अभी जाके वही अगर 6 लोग तो है आपके, वो भी अपने लोगों से बात कर दिया, कितना फायदा आ जाएगा आपका, 6,900 उसको आपने जाके कुछ बेचा नहीं है, ध्यान में रखिए, इसे घर में जाके बेचना नहीं है। पहली बात, अमिताभ बच्चन आपके घर में नहीं आता बेचने के लिए, आता है क्या? नहीं, करना के ऊपर आपके घर में नहीं आती है, ये सोच ले लो, बोलते क्या नहीं, आप कहीं पर देखते वो प्रमोट करते है, आपको उसके बात अच्छी लगती है, दिन लेते आपको भी लोगों को ये बताना कि ये चीजें अच्छी है, आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करो, आपका पूरा परिवार स्वास्थ्य थोड़ा हो जाएगा। सिंपल बात, उसको जाके घर में भी नहीं देना है। देखो कहीं पर भी अगर सेल लगा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, क्या तुमको जाना तुम ऐसे बोलते ना, तो क्या आराम नहीं जाना है, तो जाता है वो आपको लेके जाते ना, जोर 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 मैं भी जाता हूँ लेके जाता, बोलते क्या नहीं, आप तो वहां पे लगा हुआ है, मैंने जाके ले लिया, तुम भी जाके कोई चाहिए बता दे चाहे ना। हमने बोला कि ये मैं अपने घर से मैं ये सारे उपाय चेंज किया हूँ, मुझे ये फायदा मिला है, अगर तुझे चेंज करना है तो ये ले। तो हम इसको खर्चा कर रहे थे, अभी वही चीज आपको फ्री मिलने लगी ना, अच्छी बात है ना। अगर वही वही बात लोगों ने समझ लिया कि आपको ये फ्री मिले, मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में लोग कहते थे सबसे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए।